न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल ऑफ मास 1 × 10^2 किलोग्राम ओवर द सरफेस ऑफ द आइस देन फाइंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशियंट बताना था। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें इसने हमें क्या दिया, फोर्स दे दिया। किसके ऊपर है? आइस के ऊपर। आइस के ऊपर जो अपना फोर्स है वो कितना दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें एफ एस, फोर्स हमें कितना दे दिया 98 न्यूटन। सेकेंडली इसने और क्या दिया हमें, ये किलोग्राम में क्या आता है, किलोग्राम में अगर मिलता है तो वो मास होता है बेटा। मास कितना दे दिया इसने, दिया 1 × 10^2 के। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। जो कि क्या होता है सिंबल, ये देखो म्यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं और ये हमें निकालना है। सेकंडली चीज बेटा ग्रेविटी, जो अपन लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं भी दी होती तो मैंने आपको बताया था कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हमारा जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमें तो फोर्स जो निकालना है उसका फॉर्मूला पता है, वी नो दैट। इनटू नॉर्मल फोर्स एन, और यहाँ हम इसको किस में लिख देंगे, एफ एस इज इक्वल टू न्यू एम जी, जो एन जो है नॉर्मल फोर्स वो एम जी के इक्वल हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब एफ एस तो हमें दे रखा है, हमें तो म्यू निकालना है, तो इसको लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये एफ अपॉन एम जी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मैं आगे समझाती हूँ। मास इनटू ग्रेविटी कहाँ गया, नीचे आ गया। हमारे में जो फोर्स था वो कितना दे रखा था 98 न्यूटन, यही था। हमारे पास मास कितना था 1 × 10^2 केजी और ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखो, अब जो न्यूटन है ये क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये न्यूटन, तो न्यूटन से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट गया, क्योंकि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक ही बात होती है। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, आपस में यूनिट यूनिट कैंसिल होगी। ऊपर हमारे पास बचा 98, नीचे क्या बचा 1 × 10^2 × 9.8। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे बेटा हम, तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 98 मल्टीप्लाई 10^2 मल्टीप्लाई 98 और मल्टीप्लाई ऊपर कितना गया 10, ये इसका पॉइंट हटाया वो 10 गया, 98 से 98 कैंसिल हो गया, ये 10^2 कितनी है 1 और ये 10^2, तो 10^1 10^2 से कट गया, तो हमारे पास कितना बचा 1/10 और 1/10 को जो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 0.1। ये हमारा क्या आ गया, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, जो हम फ्रिक्शन ले रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो हमारा कितना आ गया 0.1। क्लियर। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल है इसी से रिलेटेड, वो और बता देती हूँ। एक 20 kg ब्लॉक है इज इन मोशन, पहले से ही मोशन में है वो, ऑन ए रफ सरफेस, रफ सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सरफेस ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड।
देन फाइंड कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसमें कह रहा है टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या दे रहा है बेटा, हमें काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है क्योंकि पहले से ही मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया, सॉल्यूशन देखेंगे इसका, मास कितना दिया बेटा हमें 20 केजी। सेकेंडली किस सरफेस पे, रफ पे, लेकिन मूव कर रहा है, फोर्स दे दिया तो एफ के दे दिया, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना दे दिया 60 न्यूटन। सेकेंडली उसने हमें क्या दिया बेटा, मास दिया, फोर्स दिया, और हमें क्या दे दिया यहाँ पे, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकालना क्या है हमें, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर वही स्टेप लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे जो चीज निकालनी है उसको इधर ले लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट स्टेप पे नॉर्मल फोर्स को हम किस में चेंज कर देंगे, मास इनटू ग्रेविटी। हमारे पास जो जो चीजें दे रखी है उनको लिखो, फोर्स हमें दे रखा था कितना 60 न्यूटन, मास हमें दिया था कितना 20 किलोग्राम, और ग्रेविटी नेक्स्ट ने कितनी दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही चीज किलोग्राम से न्यूटन, और ये चीज कट गई, ये यूनिट कट चुकी है, तो हमारे पास कितना बचा 60 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10। 23 60 कितना हुआ 3 अपॉन 10, 3 अपॉन 10 को डिवाइड करेंगे तो 0.3, दैट इज द कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशियंट। ये अपना आंसर होगा।